हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कॉटन ड्रेसेस के डिज़ाइंस। सो बेसिकली आप इन्हें कॉटन, रेयन, लिनन तीनों टाइप के फैब्रिक्स में बनवा सकते हो, इवन खादी फैब्रिक्स में भी बनवा सकते हो। कॉटन के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं लाइक मसलिन, मालमन, पॉपलिन, कैम्ब्रिक, इन सब में भी आप इन्हें बनवा सकते हो। सो गाइस, ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ, आप सॉलिड डिज़ाइंस ऑप्ट कर सकते हो, लाइक आप ये फूशिया देख रहे हो, येलो, नियॉन येलो, तो इस तरीके से आप सॉलिड डिज़ाइंस ऑप्ट कर सकते हो। आप डबल लेयर में ड्रेस बनवा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे डिज़ाइन डिटेल देख रहे हो। इसमें जो आपका लाइनिंग वाला पार्ट है वो किसी कॉन्ट्रास्ट कलर का है और थोड़ा सा ड्रेस से बड़ा भी है, या फिर आप इससे एक एक्सटेंडेड फैब्रिक लगा के भी आप ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हो। आपको अच्छा खासा एक लेयरिंग का इफेक्ट देता है, काफ़ी स्टाइलिश और ट्रेंडी लगेगा ये डिज़ाइन। फ्लेयर्ड ए लाइन लिनन की ड्रेसेस भी बनवा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं। और लिनन में और भी बहुत अच्छे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी रिफ्रेशिंग कलर्स आपको समझ में देखने को मिलेंगे। कहीं नैरो प्लेस वगैरह से ही मैंने आज तक लिनन की सोर्सिंग की है, तो काफ़ी अच्छे आपको कलर रेंज अवेलेबल हो जाता है। यू कैन इवन गो फॉर टेक्स्चर्ड फैब्रिक, जैसे आप यहाँ पे तीन कलर में ड्रेस देख रहे हो ना, फ्लेयर ड्रेस, तो तरीके से आप टेक्सचर्ड सेल्फ टेक्सचर्ड फैब्रिक में भी बनवा सकते हो। अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होती है, ज़्यादा आपको डिटेल्स ऐड नहीं करनी पड़ती हैं। और जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरे डिज़ाइन मेंटर ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी, ड्रेस को और वैल्यू ऐड करने के लिए दो तरीके की डिटेल्स पे हमें फोकस करना था। एक ऐसी डिटेल जो एटलीस्ट आपको काफ़ी दूर से यानी कि 1 मीटर से भी नजर आ जाए, और कुछ डिटेल जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो ही एक गारमेंट को एक डिज़ाइनर एलिमेंट ऐड करती हैं। ऐसी डिटेल जो आप पास में आके आपको दिखती हैं, जैसे कि आप कुछ एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स डाल रहे हैं और माइन्यूट कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऐड कर रहे हैं जो आपको दूर से इतनी विजिबल नहीं होती हैं, बट जब आप ड्रेस को पास से देखते हैं तो विजिबल होती हैं। सो माइन्यूट डिटेल्स ही होती हैं जो आपके गारमेंट में वैल्यू एडिशन करती हैं और रेडी टू वेयर को डिफ्रेंशिएट करती हैं डिजाइनर वेयर से। तो डिटेल्स पे आप फोकस कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंट डिफरेंट कॉलर्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके की ड्रेसेस में कॉलर्स काफी अच्छे लगते हैं और आपको बहुत अच्छा सा फ्यूजन वेयर लुक मिल जाता है कॉटन ड्रेसेस में। तो यू कैन गो फॉर लेपल कॉलर्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लेपल्स आप बनवा सकते हैं। इस तरीके के जैसे आप ब्लैक ड्रेस में देख रहे हैं ड्रेप्ड कॉलर भी बनवा सकते हैं। फ्लेयर में आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, कैन आइदर गो फॉर प्लीटेड फ्लेयर, सर्क्यूलर फ्लेयर, गैदर्ड फ्लेयर एट्सेट्रा। आप इस तरीके से योक वाले ड्रेसेस बनवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट योक्स आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फ्यूजन वेयर लुक चाहते हैं इन ड्रेसेस में। और मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा, रैप नेक स्टाइल ड्रेस, और इसमें जो स्लीक सी नीचे लेस लगी है तो समहाउ आपको एक अच्छा सा एथनिक और फ्यूजन लुक मिल जाता है। कॉटन में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉटन, क्रश्ड कॉटन, क्रिंकल कॉटन एंड गॉज कॉटन, इस तरीके के कॉटन आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर सच कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर, कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर इक्वली लुक्स गुड। आप इस तरीके का भी या तो आप फैब्रिक परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप बॉर्डर्स के थ्रू ही ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस ड्रेस की यूएसपी क्या है, एकदम प्लेन कैनवस पे बस ये जो कलर ग्रेडेशन है आपको वही दिख रहा है। ऑल्सो आप ऐसे सिंपल ड्रेस को एनहेंस करने के लिए बॉर्डर्स लगा सकते हैं। आपका एथनिक बट फ्यूजन लुकिंग ड्रेस काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा और स्टैंड आउट करोगे आप फ्रॉम द रेस्ट। ऑल्सो यू कैन गो फॉर लेसेस लाइक सो नायलॉन लेसेस, शीयर लेसेस, तो इस तरीके के लेसेस भी आप अपनी ड्रेसेस में यूज कर सकते हैं। और स्ट्रीट स्टाइल शीक लुक, आप इस तरीके की ड्रेसेस को लेयर कर सकते हैं विद लॉन्ग शर्ट्स और इवन शीयर शर्ट्स आप पहन सकते हैं, लॉन्ग जैकेट्स पहन सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी योर वार्डरोब इज इनकम्प्लीट, अगर आपके पास वाइड ड्रेस नहीं है सो आइदर गो फॉर प्रिंटेड टोनल वाइट ड्रेस और टेक्सचर लाइक इन डॉबी फैब्रिक, चिकनकारी फैब्रिक, इस तरीके की फैब्रिक्स में आप ड्रेस बना सकते हैं। यू कैन प्ले विद टैसल्स, टैसल्स ना इस तरीके की इंडियन आइसी ड्रेस को काफी अच्छा सा लुक दे देते हैं। व्हेन यू कैन गो फॉर टैसल बेल्ट, एक दो टैसल बेल्ट बनवा लो, सो उससे क्या होता है आपकी ड्रेस एकदम से स्टाइलाइज भी हो जाती है, बिकॉज इस तरीके की जो ड्रेसेस हैं बहुत प्लेन लगेंगी अगर आपने उनकी अच्छे से अप्रोप्रिएट स्टाइलिंग नहीं करी। तो स्टाइलिंग के लिए यू शुड सिंच योर वेस्ट, यानी कि आप बेल्ट लगा सकते हैं अपनी मनपसंद, लेदर बेल्ट, ब्रेडेड बेल्ट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, टेसल बेल्ट या वॉट एवर जो भी आपको बेल्ट आपके पास है या आपकी ड्रेस के साथ जाती है। यू शुड पेयर विद स्निकर्स या वेजेस आप पहन सकते हैं इस तरीके की ड्रेसेस के साथ। इवन आपके एथनिक वेयर के जो फुटवेयर होते हैं लाइक मोजरीज एंड कोल्हापुरीज वो भी अच्छे लगते हैं। टी स्ट्रैप सैंडल्स ऑल्सो एक्सरसाइज विद सम सिल्वर ज्वेलरी, सो सिल्वर ज्वेलरी लुक्स गुड विद सच इंडो वेस्टर्न फ्यूजन ड्रेसेस। फॉर द बोहो शीक लुक यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन सम गुड
सिल्वर पीसेस एंड लास्टली यू कैन कैरी स्लिंग बैग, शोल्डर बैग एट्सेट्रा फॉर द डे टाइम लुक्स. सो गाइज, आई होप यहाँ से आपको ना काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्पिरेशन मिल जाएंगे. किसी भी ड्रेस की कंस्ट्रक्शन आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा क्लियर डिज़ाइन है, मैं ऐसे ही डिज़ाइन यहाँ पे आपकी इंस्पिरेशन के लिए शेयर करती हूँ जो आप ईजिली बनवा पाएँ और वीडियो शेयर करने का आपको कुछ तो फ़ायदा हो. सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. एंड इफ यू वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी ऑल टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंटिल देन, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टाइलिश. बाय बाय, टेक केयर.